प्लीज 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 मेरा उन्हें रोकना बहुत जरूरी है। प्लीज सर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, वो फ्लाइट टेक ऑफ हो जाएगी। आपने सिक्योरिटी तोड़ी है, हमारे सफाई कर्मचारी की यूनिफॉर्म चुराई आपने और बोर्डिंग गेट के अंदर आ पहुंची हैं आप। ये कानूनन अपराध है, इसके लिए आपको जेल हो सकती है, इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा। नहीं नहीं प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए प्लीज। मैं मानती हूँ मैंने वो सब कुछ किया जो आपने कहा है, लेकिन सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरा अंदर आना बहुत जरूरी था। मेरे हस्बैंड है उस फ्लाइट में, हम दोनों के बीच बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है और अब वो अमेरिका जा रहे हैं हमेशा के लिए। प्लीज प्लीज मुझे उन्हें रोकना, उनसे बात करना बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी मैम, हम ये सब अलाउ नहीं कर सकते। आपने जो किया है उससे पूरा एयरपोर्ट खतरे में आ सकता है। यू अंडरस्टैंड सर? प्लीज 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 मेरी बात सुनिए प्लीज। देखिए देखिए एक मिनट, वो जो इंसान है वो मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरा पति, मेरा सब कुछ है वो। अगर मैंने उसे अभी नहीं रोका तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगी। उसे सम्मत होने दीजिए, मुझे एक बार उनसे बात करने दीजिए, उसके बाद आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए। उसके बिना मेरी जिंदगी, मेरी फैमिली सब अधूरा है। हमारे प्यार के वास्ते ऐसा कर दीजिए मुझ पर। आई थिंक हमें इन्हें जाने देना चाहिए। आप आइए मेरे साथ। साहिल 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 कहाँ है? साहिल अग्रवाल नाम का एक पैसेंजर आपकी फ्लाइट में कहाँ है वो? साहिल मैम, इस फ्लाइट में साहिल नाम का कोई पैसेंजर नहीं है। अरे ऐसे इससे पहले एक दिल्ली की फ्लाइट थी जो दिल्ली जाती है और वहाँ से न्यूयॉर्क जाने वाले पैसेंजर्स को दूसरे एयरक्राफ्ट में ट्रांसफर किया जाता है। शायद आपके हस्बैंड उस फ्लाइट में रहे होंगे। तो वो फ्लाइट कितने बजे की है? कब की है वो फ्लाइट? मैम वो 10 मिनट पहले जा चुकी है। यस मैम, वो फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है। माइट बी आपके हस्बैंड उसी फ्लाइट में रहे होंगे। आई एम सो सॉरी मैम। मैम संभालिए। अगर आप इस अनोखी प्रेम कहानी को बचाना चाहती हैं, तो आके शादी को रोकिए। आपने आने में देर कर दी वेदिका जी, मेरी और पंक्ति की शादी हो गई है। सिसक के हवाएं जग सुना लगे, चन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे रे।
साहिल नहीं नहीं वेदिका जी, वो सब नाटक था। ताकि हम पंक्ति की मां को धोखा दे सके। वैसे भी जो कुछ भी हुआ है वो पंक्ति की मां ने किया है। मुझे डर था कि वो कुछ आपको और हमारे बच्चों के साथ ना कर दे। मैंने और पंक्ति ने प्लान बनाया कि हम अमेरिका जाएंगे, ताकि उसकी मम्मी को यकीन हो कि हम वाकई में चले गए। पर आपने ये कैसे सोच लिया वेदिका जी कि मैं आपको छोड़ के जा सकता हूँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता वेदिका जी। मैं बस चाहता था कि आप और हमारे बच्चों की जान जोखिम में ना आए। हमने डॉक्टर से बात की थी वेदिका जी, उसने कहा था कि अब स्टेबल है, आपकी तबीयत ठीक है, तो फिर जाके मैंने और पंक्ति ने ये डिसाइड किया और प्लान बनाया। हाँ वेदिका जी, मेरी माँ ने हम पर नजर रखी हुई थी और उनके लोग यहाँ एयरपोर्ट पर भी थे। जब तक हम फ्लाइट बोर्ड नहीं करते वो लोग यहाँ से नहीं जाते, इसलिए हम फ्लाइट में जाके बैठ तो गए लेकिन टेक ऑफ से कुछ ही मिनट पहले आ गए। क्योंकि माँ को यकीन दिलाना जरूरी था ताकि उन्हें शक ना हो। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन जैसे ये सब कुछ एक नाटक था वैसे ही हमारी शादी भी एक नाटक थी, जो हमें आपकी वजह से करना पड़ा। साहिल, वेदिका जी, आप मेरी जिंदगी हैं। आपके सिवाय मेरे लाइफ में और कोई नहीं है वेदिका जी, तो मैं किसी और के साथ शादी कैसे कर सकता हूँ बताइए मुझे। एक बात जानना चाहती हैं आप, ये जो सिंदूर है वेदिका जी, वो रंग है, वो मंगलसूत्र नहीं है वेदिका जी, धागा है। ना फेरे हुए, ना गठबंधन, कोई मंत्र भी पूरे नहीं हुए वेदिका जी। I'm sorry, मैं सिर्फ आपको एक झटका देना चाहता था वेदिका जी, ताकि आपको एहसास हो कि हमारी लव स्टोरी कितनी अनोखी है, कितनी खास, ताकि आप ये कह पाए कि आपका पति सिर्फ आपका है और किसी और का नहीं। बस इतना ही वेदिका जी। तुमने जो कुछ भी किया ना, मुझे तुमसे नाराज होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें खो के तो मैं मर जाती साहिल, तुम्हें पाकर मैं इतनी खुश हूँ कि पंक्ति, थैंक यू मुझे मेरा प्यार लौटाने के लिए। आई एम सो सॉरी, मैंने पता नहीं क्यों तुम दोनों की दोस्ती पर इतना शक किया। I'm really sorry. नहीं वेदिका जी, सॉरी मत कहिए, लेकिन मुझे एक हक दीजिए आप, मैं बहुत मिस कर रही थी आपको। वाह, दो देवियों का मिलाप हो रहा है। तुम दोनों को हमें धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? अब देखो पंक्ति कि हम क्या करते हैं। सारे फसाद की जड़ ये लड़का है ना, इसी को खत्म कर देंगे हम।
और साहिल की मौत तुम दोनों औरतों के लिए इससे बड़ी सजा और कोई नहीं होगी। होना तुम दोनों एक दूसरे से, ठीक है तो अब साथ ही में रहोगे तुम लोग और इस दुनिया से साथ ही में जाओगे। तुम मेरी बेटी के रास्ते का कांटा बन गई। हम जो नहीं करना चाहते थे वो भी करने पे मजबूर किया सिर्फ तुमने। साहिल को पंक्ति का नहीं होने दिया ना तुमने, अब हम भी साहिल को तुम्हारा नहीं होने देंगे। आज अभी इसी वक्त हम साहिल को मार देंगे। रुको, पिस्तौल नीचे करो। हम बंदूक नीचे नहीं करेंगे। पिस्तौल नीचे करो वरना गोली मार देंगे। आपको जो करना है कर दो, गोली चलानी है चला दो। क्या कर रही हैं आप, पागल हो गई है क्या? अगर आपने इन्हें मार दिया तो आप खुद भी नहीं बचोगी। कोई परवाह नहीं है हमें पंक्ति, हम मरते हैं तो मर जाए मगर आज फसाद की जड़ को हम खत्म करके रहेंगे। इनको मारना चाहती है ना, मारिए। मैं भी अपने आप को मार लूंगी। नहीं 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 पुत्री नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी बिटिया। बंदूक नीचे कर दो, हमने जो कुछ किया है तुम्हारे लिए किया। बाकी कब मांगा था आपसे ये सब? मुझे नहीं चाहिए था ये। आपका नीचे रखिए माँ, रखिए वरना आज आपकी बेटी भी मरेगी। इस औरत की वजह से लखनऊ एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ने लॉकडाउन कर दिया है, ना कोई अंदर आ सकता ना ही कोई बाहर जा सकता है। तो काजल वर्मा के साथ जुड़े रहिए। पता नहीं क्या होगा हमारे बच्चों का, अरे क्या कर डालेगी ये चुड़ैल उनके साथ। माइंड ना करेगा, हमें तो लगता है आज ये औरत साहिल और वेदिका को मार देगी। अरे बकवास बंद करो, ऐसी मनहूस बात भी अपने जबान पे मत लाना। कानपुर के एसपी को फोन लगाओ, उससे पूछो हमारी कोई मदद कर सकता है कि नहीं। जल्दी अभी करते हैं। अरे पुनीश जी कहाँ है इस वक्त, कुछ पता ही नहीं है उनका। वो तो बौखला रहे होंगे, उनके सारे किए करे पे पानी जो फिर गया। ये कमीनी वेदिका एयरपोर्ट कैसे पहुंच गई, मिट्टी पलीट कर दी हमारी सारी योजना की। अब हम क्या करेंगे, सोच पुनीश तिवारी है सोच। ठीक है मार लो खुद को गोली। वैसे भी जिंदा रह के क्या करोगे बिटिया, ये बदनाम लड़की को ये दुनिया जीने नहीं देगी। तुम्हारी खुशी के लिए हम इतना आगे आ चुके हैं पंक्ति, अब हमारा बचना मुश्किल है। जिंदा रहकर तो हम तुम्हारी खुशियां नहीं देख पाए पंक्ति, पर मरने से पहले हम तुम्हारा मरा हुआ चेहरा तो देख सकते हैं। तो मार लो अपने आप को, खत्म करो। नहीं मां, सारे इल्जाम सह लूंगी, इतनी ताकत है आपकी बेटी में। मुझे जीने के लिए किसी आदमी के नाम का सिंदूर या मंगलसूत्र पहनने की जरूरत नहीं है। आपके पास तो था ना अपने पति का नाम, क्या हुआ उसे? आपकी जिंदगी सवर गई। बाबा ने क्या दिया आपको, सिर्फ दुख और जिल्लत ही दिया ना माँ जिंदगी भर। उससे अच्छा तो तब होता जब आप अकेले जीती, ज्यादा खुश रहती। माँ पति होना खुश होने की गारंटी नहीं होती है। आप ये सब जो कुछ भी करेंगे ना माँ, उससे बहुत सारी जिंदगियां बिगड़ जाएंगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अगर आज आपने ये कदम उठाया ना माँ, तो मेरी पहली गोली आप पर चलेगी।
और दूसरी अपने सर पर। गर्व होना चाहिए आपको अपनी बेटी पर। किसी और के लिए इस हद तक जाने के लिए तैयार है ये। मान जाइए पंक्ति की बात और बंद करिए ये सब। मैं जानती हूँ आप ये सब अपनी बेटी के प्यार की वजह से कर रही हैं। मेरा यकीन मानिए, ये सब करके पंक्ति खुश नहीं रहने वाली है। ये खुद कह रही है उसे ये सब नहीं चाहिए, तो फिर आप ये सब किसके लिए कर रही हैं? माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और ये बात मुझसे ज्यादा कौन जानता है। पर आप ये सोचिए कि अगर पास बताना, हमारे पैर में बॉम्ब लगा हुआ है। यकीन नहीं आता तुम लोगों को ना? देखो, ये देखो। बॉम्ब, बॉम्ब, भागो, भागो, बॉम्ब है। सब लोग भागो, भागो, बॉम्ब, भागो, सब लोग यहाँ पे बॉम्ब है। अगर ये फट गया ना, तो यहाँ पर जितने लोग हैं वो सब मारे जाएंगे, और इन सब की मौत की जिम्मेदार तुम दोनों वेदिका और साहिल होंगे। इसीलिए कह रहे आगे मत बढ़ना। फोड़िए, दूर हटो। मैं आपसे कह रहा हूँ बॉम्ब फोड़िए। अगर आपको लगता है कि ये सब करने के बाद आपको इंसाफ मिलेगा, तो बेशक फोड़िए बॉम्ब। लेकिन एक चीज सुन लीजिए, डरते वो है जो गलत करते हैं। यहाँ पे हम सबका दिल साफ है, तो आपकी इस खोखली धमकी से हम डरने नहीं वाले। वैसे आंटी, मैं एक बात कहूँ आपसे। I'm really sorry, लेकिन आप तो बहुत बड़ी बेवकूफ निकली। शुरू से लेकर आज तक मैं आपसे सिर्फ यही कहता गया कि पंक्ति मेरी दोस्त है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उसकी कदर करता हूँ मैं। और शुरू से मैं ये भी कहता गया कि वेदिका जी के अलावा मेरे लाइफ में और कोई नहीं है। मेरे दिल में सिर्फ वेदिका जी है और हमेशा वही रहेगी। और आपने क्या किया? इतना बड़ा तमाशा क्रिएट कर दिया। मैं जानता हूं कि आप माँ हैं, लेकिन वेदिका जी भी एक माँ है, और वो किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने की कभी सोचेगी भी नहीं। और वैसे भी एक बात है जो मैंने वेदिका जी से सीखी है, कि दूसरे की जगह रहकर उनके सिचुएशन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आपके सिचुएशन में आंटी, आप हमेशा से ही गलत रही हैं। देखिए आप, अब भूल जाइए सब कुछ। हमें आपसे कोई शिकायत भी नहीं है, पर कम से कम अब तो वो करिए जो आपकी बेटी चाहती है, जो इसके लिए सही है। और आज अगर ये बॉम्ब फटा यहाँ पे, तो कितने मासूम बच्चों की जान जाएगी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी बच्ची को वो नहीं मिला जो आप उसे देना चाहती हैं। बाबा ने मेरा बचपन बर्बाद कर दिया, आप मेरी आगे की जिंदगी बर्बाद मत करिए। माँ, मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ। ना मैं आपके बिना जीना चाहती हूँ, और ना मैं खुद को मारना चाहती हूँ। एक बात जानती हूँ आंटी, आपकी बेटी बहुत स्पेशल है। And I'm sure, जो लड़का उससे प्यार करेगा वो बहुत लकी होगा। देखिए, अब तक आपने गुस्से में सोचा है, अब दिमाग शांत करके सोचिए। पंक्ति साहिल जैसा लड़का चाहती है, साहिल को नहीं चाहती। और मुझे पूरा यकीन है उसे साहिल जैसा लड़का मिलेगा। साहिल और वेदिका जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उस रात मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बिना वजह शक किया और उसके बाद मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन सच तो यह है कि उस रात के बाद से मैं सिर्फ पंक्ति के बारे में सोच रहा हूँ। मैं साहिल जैसा हूँ या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आई रियली लव यू पंक्ति, और मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। समाज और दुनिया चाहे जो भी कहे, आई डोंट केयर। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी लड़की कभी नहीं मिलेगी, और तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया तो मैं दुनिया का सबसे लकी लड़का होऊंगा। माना मैं साहिल जितना ग्रेट नहीं हूं, लेकिन आपकी बेटी को खुश रखने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, अपनी जान लगा दूंगा। ये आपके होने वाले दामाद का आपसे एक वादा है।